मेरा मतलब नहीं नहीं बैठो, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे क्यों है स्कूल के टाइम पे क्यों बाहर है? चलिए चले, ले जाइए इसे फोन, ले जाइए फोन। फोन क्यों मैं दूं? क्यों दूं? किस हिसाब से दूं? आपके पापा के मैडम ने पुलिस को बुला दीजिए, आपके फादर का फादर का। इन बच्चों को गाड़ी में भर दीजिए, सब गलत नंबर दे रहे हैं। हाँ, इनको जाने नहीं देंगे आप लोग। हाँ हाँ, लड़की लेके चलो। नहीं, स्कूल टाइम पे बच्चे क्यों पार्क में बैठे हुए हैं? हमारा कंसर्न है, देखना है, हम लोगों का फ्यूचर है हमारे। खाने में नहीं लेना है इनको। लड़कियाँ जो है वो शटर होम जाए, नौगा शटर होम नौगा। इस वक्त हम प्रताप पार्क सेंटर में मौजूद है। आपको बता दें, यहाँ पर आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिशियल्स सरप्राइज विजिट पे आए थे। जो भी चाइल्ड बेगर्स है या चाइल्ड लेबर्स है, उनको यहाँ से जो है चाइल्ड होम्स ले जाया जा रहा है। उनके साथ साथ जो स्कूल स्टूडेंट्स, माइनर स्कूल स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पर बंक करते हैं, तो उनको भी आज चाइल्ड होम्स यहाँ से लिया गया और उनके बैग की भी चेकिंग की गई। यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो चेयरपर्सन है खैरुलनिसा साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आपने आज यहाँ पर सरप्राइज विजिट किया है, ये बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है? अभी हम इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे वल्नरेबल बच्चे हैं, चाहे वो स्ट्रीट बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड बेगिंग है, या जो स्कूल से बंक मारे हुए यूनिफॉर्म में पाए गए कुछ बच्चे यहाँ पे, इनको हम फिलहाल चिल्ड्रन होम्स में रखेंगे, शेल्टर होम्स में रखेंगे। उसके बाद इनके पेरेंट्स से रब्ता करेंगे, इनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करने की। यहाँ पर कुछ स्कूल स्टूडेंट्स थे जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्कूल टाइम पे यहाँ पर पार्क में बैठे थे, उनके साथ क्या बातचीत हुई आपकी? हमने देखा आपने उनके बैग्स भी चेक किए। उनके बैग चेक किए गए और वो छोटे माइनर बच्चे थे, उनके बैग से सिगरेट्स निकले और उनको हम अपने साथ लेके जाएंगे ऑफिस। उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग होगी और उनको पेरेंट्स के हवाले करेंगे। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगी मैम आपकी, क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पे या ट्रैफिक सिग्नल्स के पास चाइल्ड बेगर्स हमें देखने को मिलते हैं, चाइल्ड लेबर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो आप उसके लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं और इस सरप्राइज विजिट से क्या मैसेज जाता है? अभी जो क्या नाम है, हम लोगों का मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा ड्राइव है ये, जो हमारा CIS बच्चों के लिए, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस, इन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। आज हमने आइडेंटिफाई किए थे कुछ ये हॉट स्पॉट्स, उसमें लाल चौक एरिया था जहाँ से मैसेजेस आई थी, कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ पे बच्चे चाइल्ड बेगिंग और चाइल्ड लेबर में मुलवस है, तो उनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल से हम 6-7 बच्चों को रेस्क्यू कर पाए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, अभी ड्राइव जारी है। अभी देखते हैं कितने बच्चों को हम यहाँ से ले पाएंगे और इनको इंशाल्लाह प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करेंगे। तो स्कूल जो बंक करते हैं और स्कूल बंक करके यहाँ पर बैठे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है सबसे पहले कि अगर बच्चा बंक मार रहा है, वो स्कूल से निकला है, या तो वो स्कूल बस में गया है या पेरेंट्स ने उसको भेजा है स्कूल, सबसे पहली जिम्मेदारी ये पेरेंट्स की है। दूसरी जिम्मेदारी ये स्कूल की है कि बच्चा अगर यूनिफॉर्म में है, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इनको पार्कों में देख रहे हैं। एज अ पब्लिक सेपरेटेड पर्सन, हर आदमी को पूछना चाहिए छोटे बच्चे को कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जो हम आज़ादी से इन बच्चों को बैठने दे रहे हैं, और ये देखिए अभी 12 बज चुके हैं, स्कूल टाइमिंग है, और बच्चे यहाँ पे आपने खुद देखा कि पार्कों में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है और स्कूल की जिम्मेदारी उसके बाद बनती है कि वो देखें कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है और एब्सेंट क्यों है। और अगर बच्चे के बैग जब हम चेकिंग कर रहे हैं, सिगरेट्स निकल रहे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि हर दिन वो अपने बच्चे का बैग चेक करें और इतने पैसे मयसर ना रखे बच्चे को कि वो क्या नाम है किसी गलत काम में मुलवस हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थी चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की डॉक्टर खैरुलनिसा साहिबा। तो इनका कहना है कि ये सरप्राइज विजिट जो है इसलिए थी, ये ड्राइव इसलिए थी ताकि जो भी चाइल्ड लेबर है या चाइल्ड बेगर है या उनके अलावा जो स्कूल बंक करते हैं, ये उनके लिए ड्राइव है, उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनको चाइल्ड होम्स, चाइल्ड शेल्टर्स में ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ रब्ता किया जाएगा, उनके पेरेंट्स के साथ बात की जाएगी और इन बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी कि आखिर स्कूल बंक क्यों करते हैं ये। इन्होंने सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही है कि पेरेंट्स पर जिम्मेदारी आयद होती है और स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो ये स्कूल में आके फिर कहाँ चला जाता है, जबकि ये क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाता है। ऐसे में इन्होंने सब लोगों तक ये मैसेज दी है कि अगर आप पार्कों में चाइल्ड बेगर, चाइल्ड लेबर्स या आप इन बच्चों को देखते हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने होते हैं, तो ऐसे में उनसे पूछे कि वो पार्क्स में क्या कर रहे हैं। अगर ये अभी स्कूल का टाइम है तो उन्हें स्कूल में होना चाहिए, वहीं चाइल्ड लेबर्स और चाइल्ड बेगर्स को जो है बढ़ावा ना दे। एशिया न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जानापुर।